हेलो एवरीवन, चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो कि एमपीपीएससी पेपर 3 के यूनिट 1 का पहला टॉपिक है। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, कार्य के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो अब एक नया टॉपिक बन के आता है, कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है। और इसी संबंध को जो सिद्धांत बताता है उसे कार्य ऊर्जा प्रमेय कहा जाता है, या कार्य वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। यह थ्योरम ये कहता है कि किसी बल के द्वारा विस्थापित वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बल के द्वारा विस्थापित वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर किए गए कार्य के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है और उसमें विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य जो होगा उस वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा। दोनों बातें एक ही हैं। देखिए, इसमें कहा गया बल के द्वारा विस्थापित वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि अंतर, उस पर किए गए कार्य के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में भी हमको इस लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि किसी बल के द्वारा विस्थापन होने पर किया गया कार्य उस वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा एवं अंतिम गतिज ऊर्जा के अंतर के मान के बराबर होता है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग मान लें कि गतिज ऊर्जा के फाइनल है और के आई इनिशियल, तो ये होना चाहिए। गतिज ऊर्जा को के से डिनोट किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी, तो के काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय अ फोर्स, करेक्ट। तो ये थ्योरम कहता है, ये बताता है कार्य ऊर्जा में क्या संबंध है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कार्य ऊर्जा में क्या संबंध होता है, विस्तार से बताइए। तो सीधा सीधा इसको हम लिख सकते हैं, कार्य ऊर्जा में संबंध जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय के द्वारा दिया जाता है, और जो ये है। तो पहले हम लोग इसकी परिभाषा या थ्योरम जो कहता है वो लिखना चाहिए, और उसके बाद डेरिवेशन पे आते हैं। हमें ये प्रूव करना है, रेखीय गति में आप पढ़ा होगा कि जब कोई भी पिंड या वस्तु एक समान त्वरण से गमन कर रही है, और तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजकल टू 2as। वी क्या है? वस्तु का अंतिम वेग, u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक यानी कि इनिशियल वेग, s क्या है? विस्थापन, a क्या है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, करेक्ट। ये लीनियर मोशन से प्राप्त होता है।
गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो गतिज ऊर्जा के बारे में बता दूं, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उसकी वैल्यू होगी हाफ एम वी स्क्वायर। यानी गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। तो ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। अगर हम लोग ये जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस, इसमें m बाई टू को भाग दे दें या m बाई टू का गुणा कर देते हैं, यानी कि इसको आप ऐसे कहिए वी स्क्वायर इंटू m बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू इंटू m, इधर भी करना होगा 2 बाई टू इंटू ए इंटू एस इंटू एम। ये जानबूझ के मैंने पूरा लिखा, ये 2 कट जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर एम बाई टू माइनस यू स्क्वायर एम बाई टू इज इक्वल टू, अब ध्यान देना 2 कट गया, ए एस एम, ठीक। ए क्या है त्वरण, एस क्या है विस्थापन, ये लिखा हो ना डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें m इंटू ए इंटू एस, या s को हम d भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो m इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स, ये पढ़ चुके हैं रेखीय लीनियर मोशन में, द्रव्यमान गुणे त्वरण का जो मान होगा वो फोर्स होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, F, क्यों, क्योंकि m इंटू ए इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ध्यान रखिएगा s क्या है विस्थापन। अब यहाँ पे हम v स्क्वायर m माइनस u स्क्वायर m और 2 को सॉल्व करेंगे तो पूरा 2 हम यहाँ ले सकते हैं, 2 एफ एस हो गया, करेक्ट। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, इसको यहाँ ना ले जाते हुए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, m को यहाँ रख लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू एफ इंटू एस। और ध्यान देंगे आप हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या है डिफरेंस, तो अगर हम लोग इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इंटू एफ इंटू एस, बल गुणे विस्थापन क्या होता है वर्क, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चूंकि फाइनल वेलोसिटी है वेग है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं के एफ माइनस के आई इनिशियल इज इक्वल टू वर्क, यही हमारा डेरिवेशन है, बहुत सिंपल है। 11 मार्कर में सीधे सीधे पूछा जा सकता है, ये 5 मार्कर में पूछा जाए तो इतना डेराइव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्रमेय क्या कहता है और उसकी क्या विशेषता है वो लिख देना है, तो बहुत आसान है, इसको समझा जा सकता है। जो हमने शुरू में कहा थ्योरम को वही हमने प्रूव कर दिया। तो या तो आप थ्योरम पहले लिख दीजिए और उसको डिस्क्राइब करिए, व्यंजक प्राप्त करिए, या फिर पहले व्यंजक डेराइव कर लीजिए और उसके बाद लास्ट में थ्योरम को लिख दीजिए, दोनों चीज़ें बिल्कुल सही होती हैं। तो ये हो गया हमारा कार्य ऊर्जा प्रमेय, जो ये कहता है कि किसी वस्तु पर अगर कोई बल लगा करके किसी भी प्रकार का विस्थापन किया जाता है तो जो कार्य की मात्रा होगी, जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, उस वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा यानी दोनों के बीच का डिफरेंस के बराबर होगा, ठीक। तो यही है कार्य ऊर्जा प्रमेय या कार्य ऊर्जा में संबंध, यह कार्य और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध को दर्शाता है। चलिए, ये उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। थैंक यू।